अभी महाराष्ट्र के अंदर आज शाम को 8:30 बजे तक गवर्नर महोदय ने टाइम दिया था शरद पवार जी को कि उनको साबित करने के लिए कि मैं उनके पास बहुमत होगी। अब उससे पहले तकरीबन दोपहर को भोजन के समय उन्होंने सिफारिश भेज दी कि राष्ट्रपति शासन की केंद्र को, और फौरन कैबिनेट की बैठक को बुला देते हैं, और प्रधानमंत्री देश छोड़कर जा रहे थे 2:30 बजे, उससे पहले कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग और कैबिनेट ने इस सिफारिश को मंजूर कर लेते हैं और राष्ट्रपति महोदय को भेज देते हैं। राष्ट्रपति महोदय अभी है नहीं फिलहाल दिल्ली में, शायद अभी पहुंच गए होंगे, तो वो उनके ऊपर हस्तक्षेप करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक खिलवाड़ हो रहा है हमारी संवैधानिक व्यवस्था का।